नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जो जेट प्लांट होता है इसकी टॉप आयरी बनाना सीखेंगे। इसकी टॉप आयरी बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाएं। देखो, हमें एक वायर लेनी है, ऐसी वायर लेनी है जो आराम से मुड़ सके। अब मेरे पास तो ये ऊन था, तो मैं इसके चारों तरफ इसे लपेट देती हूँ। अगर आपके पास कोई वैसे रस्सी हो या कोई सूती कपड़ा हो, जूट की रस्सियाँ आती हैं, वो भी आप इसमें लपेट सकते हो। मैंने इसके चारों तरफ से इनको ऐसे लपेट दिया है। ये देखो, ये मेरे पास एक बोट शेप का पॉट पड़ा हुआ था, तो ये मैंने इसमें लगा दिया, और इसे सपोर्ट के लिए मैंने इसमें पत्थर लगा दिए। अब मैंने जेट की एक कटिंग ली है ऐसे एक साइड से, और उसकी ब्रांच हटा दी नीचे नीचे की, और इसे इस तरह से लगा दिया। और मेरे पास एक वायर थी जो मुड़ने वाली थी। आप किसी धागे से, ऊन से, किसी भी चीज़ से बांध सकते हो, जो भी आपके पास हो। मेरे पास तो यही था, तो मैंने इसे बांध दिया। अब दूसरी साइड के लिए भी हमें एक छोटी सी टहनी लेनी है, और इस तरह से उसे लगा देना है। मतलब लगाएं आराम से, क्योंकि अभी ये ढंग से जमी तो होती नहीं है इसलिए। और जो इसकी एक्स्ट्रा ब्रांच हैं वो हमें हटा देनी है। ये देखो, ये इस तरह से हो गया है। और ये मेरा दूसरा वो है जो मैं टॉप आयरी तैयार कर रही हूँ इसकी। इसे मैं गोल शेप बनाने की सोच रही हूँ कि इसकी गोल शेप बन जाए। तो जब बन जाएगा तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो इसमें टाइम लगेगा काफ़ी इसको अच्छे से घना होने में। मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा ये टहनियाँ थी ये काट दी हैं। अब ये इस तरह से दिख रहा है। और ये मैं जेट की दूसरी टॉप आयरी बना रही हूँ। मैंने इस पॉट के चारों किनारे जेट की कटिंग लगा दी थी काफ़ी टाइम पहले। और ये नारियल होता है जो हमारे यहाँ जटा वाला नारियल, उसको लिया और उसमें ऐसे मैंने ये मैंने तो धागा लपेटा है। आपके पास जो भी हो आप वो लपेट के, और इसमें क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। आप कोई प्लास्टिक की बॉल भी ले सकते हो, और इस तरह से आराम से आपको एक एक करके इसकी टहनियाँ ऐसे लेनी है। और इस तरह से इसमें कोई धागा, ऊन, जो भी आपके पास कोई वायर हो मुड़ने वाला, तो उससे आप इसको अच्छे से बांध सकते हो। इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आपका पॉट है उसके चारों किनारे छोटी छोटी कटिंग लगा देनी है जेट की। मैंने तो ऐसे ही किया, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल हो जाता है जेट की टॉप आयरी बनाना। और मैंने मेरे पास तो हरा धागा था, ये रील होती है जिससे हम कपड़े वगैरह सिलते हैं, उससे मैंने इसके चारों तरफ लपेट दिया। देखो, ये ऐसे लग रहा है। और कुछ दिनों बाद जब अच्छे से बन जाएगा तो मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जो मेरी टॉप आयरी मैंने पहले बनाई थी उसका ये कुछ दिन बाद का रिज़ल्ट है। मैंने उसमें एक छोटी और लगा दी थी, अगर जैसे अगर वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी तो मैं उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है। और ये मेरा हैंगिंग प्लांटर है, इसकी शेप कुछ मोर की तरह हो रही है, तो मैं इसकी टॉप आयरी मोर की तरह बनाऊंगी। और ये है मेरे कुछ जेट प्लांट, और इनके भी मैं बनाने की सोच रही हूँ। इसे तो मैं ट्री बनाने की सोच रही हूँ कि मतलब ट्री का शेप दे दूँ इस तरह से। इसकी ये टहनियाँ मैंने अलग अलग की हुई हैं, इसमें कम से कम 4-5 टहनियाँ हो गई हैं। जब ये अच्छा हो जाएगा तब मैं इसकी टॉप आयरी भी शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने किस तरह से बनाया है इसे। और ये देखो, ये भी काफ़ी हेल्दी हो गया है। दोस्तों, आपके प्यार और स्नेह के लिए, हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मैं आप सभी के दिल से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।